हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद एहसान शेख। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एस लेसन के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स देख रहे थे, जिसमें हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इतने तीन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो कि हमने फुल डिटेल में लॉग लगाकर पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने अब तक सॉल्व किया है। मतलब अगर आप वीडियोज़ देख लेते हैं तो आप लोगों को किसी भी डाइजेस्ट को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और वीडियो को भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आप लोग पूरा समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। आप लोगों को बस इतना करना है कि आपको वीडियो देखते जाना है और आपके रजिस्टर में उन सारे क्वेश्चंस के आंसर को लिखते जाना है। यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन भी बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चले हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चले देखें, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ साइट्रिक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 1.76 केल्विन। इफ केबी फॉर एसिटिक एसिड इज 3.07 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या दिया हमें यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। डेल टी एफ दिया हुआ है, डेल टी बी दिया, सॉरी, डेल टी बी इज इक्वल टू कितना है, 1.76 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट दिया है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया हुआ है, ठीक है। एंड दी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट दैट इज के बी कितना है यहाँ पे, 3.07 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। हमें यहाँ पे सिंपली मोलैलिटी फाइंड आउट करना है, मतलब स्मॉल एम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है इससे पहले ही। क्या आता है हमारे पास फॉर्मूला, डेल टी बी, ठीक है। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम, मोलैलिटी एम निकालना है यहाँ पे, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल टी बी, ठीक है, डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, के बी, ठीक है। चले देखें, वैल्यू रखते हैं और आगे का सॉल्व करेंगे। स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल टी बी कितना दिया, 1.76 केल्विन, ठीक है। और के बी फॉर दिस 3.07 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे केल्विन केल्विन कैंसिल, किलोग्राम और मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल के जी इनवर्स, ठीक है। इसको देखो, हम लॉग लेकर सॉल्व करेंगे, कितना आता है लॉग 1.76 इज इक्वल टू कितना होता है, 0. और 17 का लॉग किस में, 6 में, कितना आता है, 2455। इसी तरह से माइनस करेंगे इसमें से, लॉग 3.07 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 30 का लॉग 7 में कितना आता है, 4871 माइनस करेंगे, देखें 5 - 1 कितना होता है, 4, ठीक है। 5 - 7 नहीं होता, इधर से कैरी करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाता है 15 - 7 कितना होता है यहाँ पे, 8, ठीक है। ये कितना बचा है यहाँ पे, 3 - 8 नहीं होता, अगेन इधर से कैरी करेंगे, कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ बचेगा 1 बचेगा, 13 - 8 कितना होता है, 5, ठीक है। यहाँ 1 बचा, 1 - 4 नहीं होता, अगेन इधर से कैरी करेंगे, कितना हो जाता है, 11, और यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। 11 - 4 दैट इज 7, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, -1 - 1 दैट इज 52, ठीक है। यह आ जाएगा 52.7584, इसका हम लेंगे एंटी लॉग, ठीक है। इसका हम लेंगे एंटी लॉग, जो कि रहेगा आपका फाइनल आंसर, 52.7584 का एंटी लॉग देखें कितना आता है, 5733, इसका एंटी लॉग आएगा 5733, और यहाँ पे 52 होने की वजह से -1 + 1 करेंगे, क्या आ जाएगा, 0.5733। मीन्स मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन स्मॉल एम इज इक्वल टू कितना आता है, 0.5733 मोल के जी इनवर्स, जो कि आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। ओके, दिस इज योर आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी है, हमने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे हैं उससे थोड़ा सा हटकर है, ठीक है। चलिए देखें, इसको ट्राई करते हैं। क्या दिया है, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज डेंसिटी ऑफ 1.063 ग्राम पर ml, एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12.16, एटमॉस्फेयर है 25 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1.03 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे आपको क्या करना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो
तो देखिए मैं मोलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हर फॉर्मूले के अंदर मोलर मास आता है, चाहे वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, फ्रीजिंग पॉइंट हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, सभी के अंदर, ठीक है। बट मैं यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। मोलैलिटी के फॉर्मूले में आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एम टू इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एम टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू 1000, डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम इंटू डब्ल्यू वन, ठीक है। इस तरह से मोलैलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एम इज इक्वल टू कितना होता है डब्ल्यू टू इंटू 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन। मुझे क्या करना था, सिंपली एम टू फाइंड आउट करना था, मैंने फॉर्मूले को अरेंज किया और ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको पहले समझ लेते हैं कि सॉल्व कैसे करना है, हमको चाहिए क्या, बाद में हम इसको ट्राई करेंगे। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला था, हमने इसको रीअरेंज करके इस फॉर्म में लेकर आ गया, ठीक है। यहाँ से हमको क्या पता कर सकते हैं, हम एम टू पता कर सकते हैं। तो अभी इसमें देखो प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे गिवन डेटा के अंदर कहीं पर भी डब्ल्यू टू आप लोगों को नहीं दिया इसने, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं दिया है, ठीक है, और मोलैलिटी भी मुझे नहीं पता है, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू टू मिसिंग है, डब्ल्यू वन भी मिसिंग है, और ये स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी भी मिसिंग है। मुझे अगर मैं इन तीन चीज़ों को पता कर लेता हूँ तो मैं मोलर मास निकाल सकता हूँ, बट यहाँ पे इनको पता करने के लिए हमको बहुत सारे प्रोसीजर्स से बहुत सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। मैं मोलैलिटी को बहुत ईजिली यहाँ से मैं मोलैलिटी बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर होता है 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, और के एफ ऑफ वाटर, के एफ की वैल्यू एक्वियस सॉल्यूशन के लिए वाटर के लिए होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है, और मोल इनवर्स। तो यहाँ से मैं एम की वैल्यू पता कर सकता हूँ, फिर मुझे प्रॉब्लम आएगा डब्ल्यू टू और डब्ल्यू वन का प्रॉब्लम आएगा। तो चले हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टी एफ निकालेंगे। डेल टी एफ इज इक्वल टू कितना आता है यहाँ पे, टी एफ नॉट माइनस क्या आएगा टी एफ, ठीक है। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे डेल टी एफ कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, और ये माइनस ऑफ कितना आएगा 1.03, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, मीन्स डेल टी एफ इज इक्वल टू, डेल टी एफ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1.03। मैं इसको डिग्री सेल्सियस भी ले सकता हूँ और केल्विन भी ले सकता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जाती है, देखिए हम इसको वापस से देखेंगे, इसको वापस हम रब कर देंगे। यहाँ पे टी एफ नॉट मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करता हूँ तो 273 मेरे को ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाता है 273 केल्विन, 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। और यहाँ पे टी एफ दिया था माइनस 1.03, ठीक है, इसमें मैं 273 ऐड करता हूँ, तो इसका आंसर आता है 271.97, इतना आंसर आता है इसका, ठीक है। अभी देखें मैं यहाँ से डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या करता हूँ, 273 माइनस 271.97, ठीक है। अगर हम ऐसे भी करें तो इसका आंसर वही आता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू 1.03 केल्विन ही आएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था कि डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब लेकर आएंगे, ऐसे भी किया तो वही आंसर आएगा। देखिए मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब 0 प्लस 273 हम इसको कन्वर्ट करें टी एफ को, और यहाँ पर आएगा माइनस 1.03, माइनस 1.03 प्लस 273, माइनस 1.03 प्लस 273, देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 273 माइनस, माइनस से इसको ओपन करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.03, और ये माइनस का 273, मतलब प्लस 273 माइनस 273 हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो वही आएगा 1.03 केल्विन। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन था जो कि पूछ रहे थे सर ये कैसे आया क्या आया, तो ये उसका आंसर है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, ये आपके सिर्फ समझने के लिए दिया है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं ताकि फर्दर कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो यहाँ पे ये हमारे पास में डेल टी एफ आ गया, मैं डेल टी एफ के ऊपर से
देखो m की वैल्यू निकाल सकता हूँ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आता है, के एफ इंटू एम। मैं यहाँ से मोलैलिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल टी एफ अपॉन के एफ। ठीक है, m इज इक्वल टू हमने अभी निकाला ये डेल टी एफ कितना आया था, 1.03 केल्विन आया, और ये होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम, और ये मोल इनवर्स। ठीक है, केल्विन केल्विन कैंसिल। हम इसको सॉल्व करेंगे, लॉग को सभी लॉग से सॉल्व करेंगे, बट हम लॉग को लिखेंगे नहीं, उसको रब कर देंगे, बिकॉज जगह का थोड़ा सा इशू आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए कितना आता है 1.03 का, यहाँ पर आएगा लॉग 1.03 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 0. और माइनस लॉग 1.86 इज इक्वल टू 0. देखें 10 का लॉग देखना पड़ेगा आपको, 3 में कितना आता है ये 0.128, यह आता है 0.128, और 18 का लॉग 6 में देखें यह आता है 2695। माइनस करो 8 माइनस 5 कितना होता है यहाँ पे 3 होता है, इधर से कैरी करेंगे यहाँ पे हो गया 12 माइनस 9 दैट इज अगेन 3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 0, इधर से कैरी करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो इधर से कैरी करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 1, यहाँ पे 10 में से इधर एक कैरी करेंगे ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे 9, 10 माइनस 6 कितना होता है 4 होता है, 9 माइनस 2 दैट इज 7, और ये हो जाएगा आपका बार 1, मतलब ये हो जाएगा बार 1.7433। इसके एंटीलॉग लेंगे 7433, इसके एंटीलॉग लेंगे कितना आता है 5538, मतलब ये हो जाएगा 0.5538, ये आ जाएगा आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी m इज इक्वल टू 0.5538। ठीक है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ सॉल्यूशन को लॉग के, मेरे को सिर्फ डायरेक्ट आंसर चाहिए अभी। कितना आता है मोलैलिटी m इज इक्वल टू 0.5538, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5538। ठीक है, यूनिट वही रहेगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आ गया आपके पास में मोलैलिटी। ठीक है, तो देखो अभी मैं यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से, आप लोग को मालूम है पाई इज इक्वल टू क्या आता है एमआरटी आता है, एमआरटी और क्या आता है सीआरटी। मेरे पास में पाई की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू भी मुझे पता है, टेम्परेचर टी भी दिया हुआ है 298 केल्विन है। मैं इसके ऊपर से मोलैलिटी निकाल सकता हूँ, मीन्स कैपिटल एम निकाल सकता हूँ। सो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन आर टी, पाई अपॉन आर टी। ठीक है, यहाँ पे देखें कैपिटल एम इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितना दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया 12.16 एटमोसफियर दिया है, आर की वैल्यू कितनी आती है 0.08205, यूनिट नहीं लिखते अभी यहाँ पे इसका, वो सब कुछ यूनिट कट कर क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ मोल लीटर इनवर्स बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया 298 केल्विन दिया। इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं लॉग का, इसको अगर हम लॉग से सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा 0.4973, इसका आंसर आएगा m इज इक्वल टू 0.4973। ठीक है, 0.4973 मोल डीएम क्यूब इनवर्स, मोल डीएम क्यूब इनवर्स, ये आ गया आपका मोलैरिटी कैपिटल एम। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, थोड़ा सा जगह का इशू आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे इसका फॉर्मूला, डब्ल्यू टू इन टू 1000 डिवाइडेड बाय एम टू इन टू वी। ठीक है, वी मैं इसको देखो यहाँ पे डब्ल्यू टू 1000 इन टू अपॉन डब्ल्यू टू एम टू 1000 को मैं एक जगह लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पे डब्ल्यू टू, ठीक है, इन टू 1000 डिवाइडेड बाय एम टू, डिवाइडेड बाय एम टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल एम मोलैरिटी इन टू वी, ये हो जाएगा इक्वेशन वन। ये हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया, देखो प्रॉब्लम कहाँ आता है, ये वाला जो पार्ट है आपको किसी डाइजेस्ट में भी नहीं मिलेगा, उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कर दिखाया, लेकिन वो फॉर्मूला आता कहाँ से है तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना होता है
डब्ल्यू टू इंटू 1000, एम टू इंटू वी। और मोलैलिटी क्या आता है, सिमिलरली यहाँ पे मोलैलिटी क्या आता है, सिर्फ यहाँ पे वी की जगह कितना आ जाएगा, डब्ल्यू वन आ जाएगा। क्या होता है, डब्ल्यू टू इंटू 1000, डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा एम टू इंटू डब्ल्यू वन। ठीक है, मैं अगेन ये डब्ल्यू टू 1000 को इधर साइड में लिख रहा हूँ, डब्ल्यू टू 1000 डिवाइडेड बाय एम टू इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का स्मॉल एम मोलैलिटी इंटू डब्ल्यू वन, ये हो जाएगा इक्वेशन टू। तो देखो अभी इक्वेशन वन और टू में ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है डब्ल्यू टू 1000 एम टू, डब्ल्यू टू 1000 एम टू, ये इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो गए क्या, है ना, ये दोनों पार्ट भी क्या रह गए, इक्वल रह गए। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू वन, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल एम मोलैरिटी इंटू वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मैं डब्ल्यू वन निकाल सकता हूँ क्या, देखो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू, डब्ल्यू वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल एम मोलैरिटी इंटू वी डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सभी को यहाँ पर होता है। अभी देखिए मेरे पास में कैपिटल एम हमने अभी निकाला इस फॉर्मूले का यूज़ करके, यहाँ से इसको कैलकुलेट करके हमने अभी यहाँ पे क्या निकाला, कैपिटल एम निकाला, स्मॉल एम भी हमने निकाल लिया, और यहाँ पे वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे 1 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से मैं डब्ल्यू वन निकाल सकता हूँ बहुत ईजीली। ठीक है, तो आप एक काम करो, इतने पार्ट का आप स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो देखें ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो हमने क्या किया, इसको अभी रब किया। ठीक है, और उसके बाद में हमको जो फॉर्मूला हमने अभी निकाला था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है ये, देखें W1 पता करेंगे, इससे मास ऑफ सॉल्वेंट पता करेंगे, W1 इज इक्वल टू कैपिटल M, दैट इज़ द मोलैरिटी हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना आया था ये 0.4973। ठीक है, इसको मैं 1 dm³ ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब हम कंसिडर करें कि जो सोल्यूशन है कितना है, 1 लीटर है। ठीक है, सारे यूनिट कट जाएंगे, यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, 1 dm³ आएगा, सारे यूनिट कटने वाले हैं। और उसके बाद में मोलैलिटी, मोलैलिटी कितना है, 0.5538। ठीक है, ये सारे पार्ट को, सारे सेक्शन को आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सारे सेक्शन को आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 0.8982 kg, 0.8982 kg, किलोग्राम। मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ, सो W1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 898.2 ग्राम। यह आ गया हमारे पास में मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये इतना आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद में देखें हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम डेंसिटी का यूज़ करेंगे। डेंसिटी है हमारे पास में D इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे को डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ पे 1 लीटर कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 100,000 ml कंसिडर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया, ग्राम पर ml दिया था। तो मैं देखें मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ यहाँ से, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी डी इंटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, डी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी कितना दिया था, 1.063। ठीक है, इंटू ग्राम पर ml दिया था, इंटू मैं एक काम कर रहा हूँ 1000 ml ले रहा हूँ उसको, 1000 ml ही ml क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ये 1063 होता है क्या, 1063 ग्राम हो जाएगा। ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए मेरे पास में मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया, W1 भी आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। मैं इसके ऊपर से क्या निकाल सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ। इसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है, मतलब W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट,
मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, सॉल्यूट का सॉल्वेंट का मास माइनस करेंगे, मतलब W2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आता हो 1063 माइनस 898, ठीक है, राउंड फिगर में ले लेते इसको 898। सो यहाँ पे W2 इज इक्वल टू, सो यहाँ पे W2 इज इक्वल टू देखो कितना आता है 165 ग्राम। 1063 माइनस 898 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 165 ग्राम। यह आ गया आपके पास में W2, ओके, जो कि हमको चाहिए था। अभी देखिए जो हमने फाइनल फॉर्मूला लगाया था, मैंने आप लोगों के अंदर आप लोगों को उसके अंदर बताया था कि मुझे M2 फाइंड आउट करना है। सो M2 के लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे W2 इंटू 1000 और यहाँ पे M2 इंटू W1, है ना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम M2 निकालेंगे, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए, स्मॉल m चाहिए, W2 चाहिए और W1 चाहिए, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट भी होना और मास ऑफ सॉल्वेंट भी होना। तो हमने मोलैरिटी तो पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, कितना आया था 0.5538, ठीक है। W1 हमने कैलकुलेट किया इसके ऊपर से कितना आया 898, और उसके बाद में हमने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट किया, कितना आया 165। तो हमारे पास में सारी चीज़ें आ गई अभी। सो ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें देखिए हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे। सो मोलर मास M2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है W2, हमने अभी फाइंड आउट किया कितना आया 165 इंटू कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय M। मोलैरिटी हमने निकाला 0.5538 इंटू W1 हमने अभी कैलकुलेट किया 898, ठीक है। सो फाइनली इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे, इन सभी को आप कैलकुलेट करेंगे लॉग से, ठीक है, 165 0.5। तो इसका आंसर आता है, 331, इसका आंसर आएगा 331.5 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। बुक में आपके जो आंसर है वो 334 के पास 334 समथिंग दिया है, हाँ इसका आंसर आएगा 331.5 ग्राम पर मोल। बुक में आंसर आप लोगों का 335 दिया है, बराबर है, बुक में आप लोगों का आंसर 334 दिया है, जो कि थोड़ा सा गलत है, ठीक है। आप चाहे कैलकुलेटर से सॉल्व करें, लॉग टेबल से सॉल्व करें, इसका लगभग आंसर इतना ही आता है 331.5 ग्राम पर मोल, ओके। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। अगले लेक्चर में हम इसके बाकी के सारे क्वेश्चन जो कि 13, 14 और 15 है, वो हम कंप्लीट करेंगे, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू।